हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बोनलेस फिश फ्राई, जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बोनलेस फिश ले ली थी 1 kg। ये देखिए, इसे हमने फ्रीजर में से निकाल लिया है। 500 ग्राम का है ये 1 पीस। इसे हम अभी बनाएंगे। इसे हम डीप फ्रोस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए बाहर ही रख देंगे, इसमें पानी ऐड करके। इसमें हमें गर्म पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। ये देखिए, दूसरे पीस को हम फ्रीजर में रख देते हैं। अगर आप इसे रात को ही फ्रिज में रख देंगे निकाल के, फ्रीजर में से निकाल के आप इसे रात को ही फ्रिज में रख दीजिए, तो ये नॉर्मल हो जाती है, इसका बर्फ़ मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, अभी हम इसके मसाले देख लेते हैं। 1 teaspoon हमने ले लिया है ज़ीरा, और 1 tablespoon आप यहाँ पर धनिया ले लीजिए, और यहाँ पर हमने ले ली है ब्लैक पेपर और 1 red chilli कश्मीरी। अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 teaspoon कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अजवाइन ले लिया है हमने 1/2 teaspoon। इसे भी हमने इसमें ऐड कर देना है मसालों में। अब हम हरा मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर हरी मिर्ची ले ली है 3 से 4, तीखा आप अपने हिसाब से ले लीजिए, और थोड़ा सी पुदीना लेना है, ज़्यादा नहीं, और कोतमीर ले लेना 1 मुट्ठी, ज़ीरा 1/2 teaspoon, लहसुन 10 से 12 कली, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लेना है, और इसकी हमें पेस्ट बना लेनी है। अब यहाँ पर हमने जो ड्राई मसाले ले लिए थे उसमें हमने हल्दी और गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1/4 teaspoon हल्दी और 1/2 teaspoon गरम मसाला, और चाट मसाला लिया है हमने 1 teaspoon। यहाँ पर हमने फिश को देख लिए अच्छी तरह से, उसका पानी हमने निकाल लिया है, धो लिया है इसे। इसको ड्राई कर लेना है आपको, टिश्यू से आप इसे ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे काट लेंगे पीस, आप अपने हिसाब से पीस काट सकते हैं फिश के, जितने बड़े आपको चाहिए, छोटे चाहिए। अब हम ग्रीन पेस्ट यहाँ पर लगा देते हैं फिश पर। ये देखिए, अच्छी तरह से हमें सभी पीस पर मसाला लगा लेना है हाथों की मदद से। ये देखिए, हमने ग्रीन मसाला लगा लिया है। अब हमें सूखे मसाले ले लेने हैं। ये देखिए, हमने इसमें सॉल्ट और 1 red chilli powder भी ऐड किया है। तीखा आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है बेसन, ले लिया है हमने, और यहाँ पर हमने सूजी ले ली है, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनती है। 2 tablespoon आप बेसन ले लीजिए, और 1 tablespoon सूजी रवा ले लीजिए, और इसे मिक्स कर लीजिए। सब मसालों के साथ हमने ये ले लिया है मिक्स करके अच्छी तरह से। अब हम इसमें ये जो पीस में हमने मसाला लगाया था फिश में, इसे हम इस तरह से कवर कर लेंगे इस पाउडर में, इस मसाले में। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे अच्छी तरह से कवर करना है। ये देखिए, क्रिस्पी बनेगी आपकी फिश। सभी को हमने इस तरह से कवर कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके ले लिया था। अब हम सभी पीस को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अलट पलट करते हुए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। इस तरह हम दबाकर चेक कर लेते हैं इसमें पानी है। अगर ये अंदर से कच्ची रहेंगी तो इस तरह से बबल उठेंगे ऑयल में। ये देखिए, अब बबल नहीं उठ रहे हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं, और मसाला देखिए कितनी अच्छी तरह से कवर हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्पी फिश फ्राई रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से जूसी और सॉफ्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।